हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। रियांश मोमन ड्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी एंड खुश है। और आज मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बढ़ रहे हैं 4:30 और आज है 20 अक्टूबर है और आज है नवरात्रि का 4th डे और आज माँ कुष्मांडा देवी का डे है। और आई थिंक आप लोगों को पता होगा अच्छे से, आज कुष्मांडा 4th नवरात्र कुष्मांडा देवी का होता है। तो हमारा फास्ट है, मैं 9 दिन पूरे व्रत हूँ। आप सभी को पता ही होगा, वीडियो में मैंने डाला था। तो मैं व्रत हूँ और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं जिम, आज थोड़ा बहुत जल्दी चले गए, कुछ काम था। और रियांश आजकल अब ट्यूशन जाना बंद कर दिए हैं क्योंकि वो दीदी अपने ही पढ़ाएंगी, कह रही कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी उनके साथ, वो बीएड वगैरह कर रही है तो उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे रियांश के स्कूल, रियांश का एडमिशन लेट हुआ है तो रियांश की जितनी भी बुक्स हैं सारी बुक्स को कंप्लीट कराना, तो रियांश से बहुत हैक्टिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था कि मतलब पूरा दिन पढ़ते पढ़ते। तो मैंने इसलिए, मैं वैसे भी हटाना चाह रही थी कि पूरा दिन पढ़ते पढ़ते 5 से 6:30 हो जाता था, पूरा टाइम प्रियांश परेशान थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही उसे सेल्फ स्टडी कराऊंगी और मैं पूरा पढ़ाऊंगी उसे अच्छे से, तो वो कवर कर लेगा। तो चलिए रियांश का मैंने यही टाइम रखा कि जैसे रियांश और ट्यूशन का टाइम, जैसे रियांश ना ट्यूशन जाते थे तो वही टाइम मैंने चूज कर लिया कि रियांश को 5 से 6:30 तक पढ़ाएंगे और दोपहर में थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से कराएंगे, क्योंकि इसका पूरा दिन पढ़ाई में थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है, खेलने के लिए भी कहीं जाता तो है नहीं, आप सभी को पता ही है। मैं सोचती हूँ पार्क ले जाऊँ, लेकिन पार्क हमारे वहाँ से थोड़ा रोड पे दूर पड़ता है, अभी है ना कि इसको लेके जाना, फिर ये साइकिल लेके जाएंगे तो साइकिल उतारना बहुत मुझे डिफिकल्ट लगता है। मैं ले जाया करूंगी इसे संडे, हर संडे को इसको पार्क ले जाया करूंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा इसे भी। तो यही सब चीजें यहाँ से खुशी का ठिकाना नहीं था। कितना खुश है पार्क जाने के लिए। चलिए मैं इसे पढ़ाती हूँ और 5 से 6:30 तक इसे पढ़ाऊंगी, मतलब जितना थोड़ा बहुत स्कूल का कवर कराऊंगी, आज जो भी मैम कराती है वो कवर कराती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ना। चलिए इसे पढ़ाती हूँ, इसे स्टडी करा देती हूँ। ये क्रेयॉन्स का जो पेपर होता है वही दिखा रहे हैं आपको। हमसे प्रोजेक्ट मिला है जे फॉर जग बनाने के लिए, तो आटे में जग बनाना है। देखो रियांश क्या कर रहे हैं, पूरा आटे से खेल रहे हैं। आटा ऐसा नहीं बनाना रियांश। हाँ डालोगी? नहीं बेटा, पूरा बनाओ बनाओ जे फॉर जग, जैसे मम्मा ने ये बनाया। स्टैंडिंग लाइन खींचो। हाँ स्टैंडिंग लाइन। हाँ पूरा नीचे तक खींचो ऐसे। हाँ पूरी लाइन खींचो। हाँ हल्का सा मूव करो इधर। हाँ बिंदी रखो। ऐसे नहीं बनाना रियांश, रुको आप मत कुछ करो। लाइन खींचो आप फिंगर से, स्टैंडिंग लाइन खींचो आप सीधी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं अपने लिए व्रत के लिए आज बनाने जा रही हूँ कुटू के आटा की पूड़ी वही, और दही आलू की सब्जी, जो कि व्रत के लिए मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है और बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अच्छी बनती है। चलिए कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर। मैंने कुछ उबले हुए मीडियम साइज के, मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए और ये मैं कुटू की पूड़ी के लिए यूज करूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए, इन्हें बॉइल्ड कर लिया और बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। सबसे पहले मैंने देसी घी ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ जीरा, ये 1 चम्मच करीब जीरा होगा, ये जीरा डाल देंगे। हरी मिर्च पाउडर और सॉरी हरी मिर्च,
इसके साथ उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को मैंने डालने उबले हुए आलू लेते से मैं जीरा तड़कने और हरी मिर्च डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक भून लिया है और इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा जिससे हमें चला रहे उसे मैश करते जा रहे। ये मैश करने पे आलू की दही आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत कम समय में बन जाती है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन जाती है और बहुत हेल्दी और टेस्टी बनती है। इसलिए हम सभी को दही तो खाना ही चाहिए, हेल्दी होता है, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रोटीन दोनों ही चाहिए और भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है दही में, तो इसलिए मैं दही आलू आज बना रही हूँ। तो ये हमारे भुन गए और मैंने ये दही फ्रेश दही लिया है घर का जमाया हुआ, इसे मैंने मत लिया है और थोड़ा सा पानी मिला लिया और दही खट्टा होगा उतनी ही टेस्टी आपकी दही आलू लगेंगे। तो दही हमने लिया है लगभग 250 ग्राम और इसे डाल दिया है। ये जब तक इसे लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसे नहीं रोकेंगे। अगर दही आलू दही डालने के बाद आपका अगर चलाएंगे नहीं तो दही आलू फट जाएंगे, तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें जब तक आपका उबाल ना आ जाए, बॉयल ना होने लगे सब्जी, तब तक इसे लगातार आपको चलाना है। गैस फ्लेम को तेज़ रखिए स्टार्टिंग में, फिर इसे थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, मीडियम टू लो कर दीजिए। तो मेरी सब्जी बन चुकी है लगभग, हमारा दही आलू की जो सब्जी है अच्छी तरीके से बॉयल्ड हो चुकी है। इसे 2-3 मिनट तक और पका लेंगे और सबसे लास्ट में नमक डालिए, आप एक तुरंत नमक मत डालिए वरना नमक से दही आलू फट जाएंगे। और इसमें कोई भी मसालों को हम ऐड नहीं करेंगे, आप थोड़ी सी काली मिर्च लास्ट में डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप कर दें। काली मिर्च लास्ट में डालने से बनाएं तो आप लगातार चलाते रहें जिससे कि आपके आलू दही फटेंगे नहीं। अगर आपने लगातार नहीं चलाएंगे तो ये दही आलू आपके फट जाएंगे। और नमक को सबसे लास्ट में डालना है, जब तक आपके 1 से 2 बॉयल ना आ जाए तब तक आपको नमक को नहीं डालना है। तो जब अच्छे तरीके से हमारा बॉयल्ड आ चुका, अब मैं व्रत वाला नमक जिसे आप सेंधा नमक बोलते हैं तो वो डाल दीजिए। आप इस रेसिपी को आप व्रत में भी बना मैंने कूटू के आटे कैसे गूंथते हैं, पूड़ी कैसे बनाते हैं, उसकी मैंने रेसिपी आप सभी के साथ शेयर नहीं की थी, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल रही हूँ, घर में ही मैंने काली मिर्च को पीसा है, बाहर की कोई काली मिर्च नहीं है पीसी हुई। घर में आप अच्छे तरीके से मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए और ये व्रत वाला नमक, सेंधा नमक जिसे आप कहते हैं, वो डाल दीजिए। काली मिर्च डालने एज़ पर टेस्ट आप नमक डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा नमक डाल दी। आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए मैशर की हेल्प से, या हाथ से गरम गरम आलूओं को भी मैश कर सकते हैं, जैसे कि किसी कटोरी या किसी से भी जिससे आप मैश करते हैं उससे आप कर लीजिए। और ये कूटू का आटा ले सकते हैं या फिर आप सिंघाड़े का आटा ले लीजिए और आटे को अच्छी तरीके से गूंथना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बस मुश्किल से 1 से 2 चम्मच जो आप जिससे आप टेबल स्पून बोलते हैं वही उतना ही पानी पड़ेगा जितना आप पूड़ी के लिए सख्त आटा लगाते हैं, उसी तरह इस कूटू की पूड़ी का भी सख्त आटा लगाना होता है। और इसी तरह गूंथने के बाद इसे तुरंत रखना नहीं है, बिल्कुल तुरंत ही आपको पूड़ियाँ बनानी होती है और जितना आप सख्त गूंथेंगे ना उतनी अच्छी आपकी पूड़ियाँ क्रिस्पी गोल्डन, और गोल्डन तो सेकेंगे तब सेकेंगी, लेकिन जितनी अच्छी आपकी फूली फूली एकदम पूड़ियाँ जैसे नॉर्मल आटे की बनती वैसे सेम पूड़ियाँ बन के आएंगी। तो मैं ये आटे को गूंथ ले रही हूँ, एकदम सख्त आटा गूंथना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा आलूओं की हेल्प से ही मुझे आटे को गूंथना है और पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, केवल 1-2 चम्मच ही डालिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा एक जैसे थोड़ा सा मैंने पानी लिया लगभग 2 टेबल स्पून पानी का, इतने से आटे में हमने यूज़ किया, इसमें 5 पूड़ियाँ या 4 पूड़ियाँ बन जाएंगी हमारी। तो चलिए आटे को गूंथ लेते हैं फटाफट। गुड इवनिंग, रियांश मामा ड्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। एक्चुअली कल का ब्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, मैं आज पूरा ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और आज रियांश ने क्ले बनाया है, आपको दिखाती हूँ। ये बनाया है क्ले, जो क्ले मड होता है ना उससे ये बनाया है ट्री, और ये एंट बनाई है, और ये बनाई है आइसक्रीम। ये है आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खाएंगे। क्ले है, क्ले से बनाया है। ए मेरा क्या ये? क्ले वर्क था ना आज, क्ले एक्टिविटी थी क्लास में, तो वही मैम ने मतलब बनवाया था, वही रियांश ने बनाया था। ये एंट है, ये क्ले सारे मड है और
ये कह रहा है मैं खाऊंगा, इसलिए खा रहा है। चलिए, और मुझे थोड़ा और भी काम करना है रियांश का, करवाना है मतलब कि रियांश के स्कूल से कॉक बनाना है, वो कॉपी पे बना के ना पेपर्स कुछ खाना है। चलिए बना लेती हूँ, लिख रख देते बाद में स्कूल खर्चा करके रखूंगी। कुछ ले के ये भी मिलेंगे, जैसे कि कुछ बनाना होगा ना, आपको दिखाती हूँ। स्कूल से ही मिला है सारा सामान, शायद टेडी बियर टाइप का है कुछ, और इसमें लगा के बहुत अच्छा बनता है। इससे बच्चे का ना फन हो जाता है, मतलब मजा आता है इन लोगों को करने में। मैम जब मैम करवाती है तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इन सब चीजों को। पूरा दिन इसी में चला जाता है, इसको सारा होमवर्क कराने में, ये क्ले मतलब बनाने के बाद ऐसे इसमें थोड़ा सा पानी लगा के आप इसे कर दीजिए, मतलब ऐसे गोल गोल करके रखे, फिर ना कुछ फिर दोबारा बनाना होगा तो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा भी क्ले हो जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैम हर वेनेसडे या थर्सडे को रोज मतलब हर वेने मतलब डे के अकॉर्डिंग क्ले एक्टिविटीज कराती हूँ। ट्वेल्व कलर मिले हुए हैं, मम्मी जी वाले मम्मी भी देखिए कैसा हो रहा है, सारा ऐसे में करके मैं रखती हूँ। रखिए इसमें, ये रोलर दिया है मतलब कुछ बनाना होगा रोलर से। रुकिए रुकिए दे दे, आपने निकाल के तो रखो इसको अब पास में। चलिए काफी रियान का काम छूट गया है, ये देखिए ये एक्टिविटीज में ये बन तो कराया है, और मतलब इस जो मतलब ये जो ना चित्र भी बनाने की, पिक्चर्स भी बनाने की, कितने काउंट करने हैं, सारे सारा काम करा दिया रियांश का। इनके स्कूल में ना टेंथ तक ही नर्सरी में कराएंगे, टेंथ तक पूरी बुक है, और उसके बाद केजी में कराएंगे शायद इलेवन से। देखिए हाँ लिखने में कई सारी चीजें इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कराते हैं, मैं हिंदी इनके स्कूल में भी नहीं है, केजी के बाद होगी सर, फर्स्ट में है हिंदी। चलिए करते हैं आगे काम, कॉक बनाना है, कॉक और क्या बनाना है, पैरट, दो चीजें बनानी है। उस पे ना देखते हैं कैसे बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा उस पे ना, जैसे कि जैसे कॉक के जितने भी वो होते हैं ना पूंछ वगैरह, रेड ब्लू उस टाइप के ना प्लास्टिक के आते हैं, वो मुझे मंगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें स्टिक चिपकाना है या फिर आप कलर से करना, देखती हूँ कैसे करवाना है मुझे। चलिए फ्रेंड्स पैरट को कलर कर रहे हैं, देखिए कितना गंदा गंदा कर रहे हैं, फिर बाद में मतलब मैंने आउटलाइन कर दी थी तो पैरट बन चुका है, देखिए कलर रियांश कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट से अपना प्यारा कमेंट ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।